बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। एज यू नो, डीएनए से अगर डीएनए बने दैट इज रेप्लिकेशन, डीएनए से अगर आरएनए बने दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में जो आरएनए बनता है अगर उसकी ट्रांसलेशन हो जाए देन दैट इज प्रोटीन फॉर्मेशन। ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स भी हो सकता है, पर्टिकुलरली वायरसेस में कैपेबिलिटी होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है जी, ये बातें आपने पहले भी पढ़ी हैं। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है इसका फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि जिस पॉइंट से जीन की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है, डीएनए से आरएनए बनना शुरू होना है, उससे पहले के सीक्वेंसेस अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस कहलाते हैं। वो एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए बनाते हैं विच इज कॉल्ड प्रोमोटर डीएनए। प्रोकैरियोट्स में प्रोमोटर डीएनए में दो खास रीजन्स होते हैं, दो खास सीक्वेंसेस होते हैं। -10 यानी स्टार्ट पॉइंट से 10 बेस पेयर पहले एक स्पेशल सीक्वेंस होता है TATAAT, और स्टार्ट पॉइंट से 35 सीक्वेंस पहले एक सीक्वेंस होता है विच इज कॉल्ड TTGACA। ठीक है जी, सो इनको पहचान के आरएनए पॉलीमरेज इस पॉइंट के ऊपर अटैच होता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन शुरू करते हैं। ये प्रोकैरियोट का प्रोमोटर है, प्लस वन से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रही है, ट्रांसक्राइब रीजन है, इसके नतीजे में आरएनए बन रहा है 10 बेस पेयर पहले TATAAT सीक्वेंस है, 35 बेस पेयर पहले TGTTGACA। अगर आपको ये डायग्राम आसान लगती है आप ये बना लें। ठीक है जी, यूकैरियोट का प्रोमोटर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये अगर प्लस वन पहला पॉइंट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होनी, स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो इससे पहले जो TATA वाला सीक्वेंस है वो कहलाता है टाटा बॉक्स, और OTATAAA है, और ये -25। ठीक है जी, डायमेंशंस डिफरेंट है थोड़ी। टाटा बॉक्स यूकैरियोट्स में 25 बेस पेयर्स पहले, और इसकी जगह इस वाले सीक्वेंस -35 सीक्वेंस की जगह यूकैरियोट्स में एक बॉक्स होता है विच इज कॉल्ड CAAT बॉक्स, और इसका सीक्वेंस जो भी है वो कहाँ होता है, राउंड अबाउट -70 या -80 पे, आपकी बुक में -70 लिखा हुआ है, आप वही वैल्यू याद रखें। और उससे पहले भी कुछ सीक्वेंसेस होते हैं उससे और दूर, तो ये डिफरेंट सीक्वेंसेस मिलके डिटरमिन करते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर पॉलीमराइजेशन वाला एंजाइम आके अटैच होगा और ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा ताकि आरएनए बनने लगे। जो मॉलिक्यूल, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है आरएनए बनाने के लिए, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है। इसके कुछ चीज़ें कोर, इसके बहुत सारे सब यूनिट्स हैं, कुछ सब यूनिट्स हैं जो मिलकर कोर एंजाइम बनाते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। ठीक है जी, बीटा और अल्फा सब यूनिट्स होते हैं, और होलो एंजाइम तब ये बनता है जब इसके साथ सिग्मा फैक्टर भी आके अटैच हो। सिग्मा फैक्टर की रिक्वायरमेंट मेनली बाइंडिंग टू प्रोमोटर के लिए। एक दफा जब बाइंडिंग टू प्रोमोटर हो जाती है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फिर इस सिग्मा फैक्टर की जरूरत नहीं होती। फिर कोर एंजाइम भी जो है ना वो पॉलीमराइजेशन यानी एडिशन ऑफ न्यू आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स विद द आरएनए स्ट्रैंड कर सकता है। ये देखिए, ये सिग्मा फैक्टर है जो कि प्रोमोटर के साथ पहले आके अटैच होता है। जब ये अटैच हो जाता है इसके बाद बाकी आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ आके अटैच होता है। इस सिग्मा फैक्टर का आप देखें, एक पॉइंट 35 रीजन के ऊपर प्रोकैरियोट में अटैच हो रहा है, एक -10 पे। जब इसके साथ बाकी आरएनए पॉलीमरेज के सब यूनिट्स आके अटैच हो जाते हैं तो फिर ये आगे की तरफ मूव करते हैं टूवर्ड्स द जीन। यहाँ पे देखें, ये जीन का जो रीजन है या आरएनए का जो कोडिंग सीक्वेंस है ये पिंक से शो किया है और प्रोमोटर का रीजन ग्रीन से शो किया है। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज़ें सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज मूव करते हैं टुवर्ड्स दिस पॉइंट, और यहाँ पर प्रोमोटर सीक्वेंस को ओपन कर देते हैं, और फर्स्ट जो इनिशिएटिंग न्यूक्लियोटाइड है वो प्लस वन जो पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछली डायग्राम्स में उधर अटैच करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद बेशक वो हट जाए सिग्मा फैक्टर। अच्छा, अब ये आरएनए पॉलीमरेज जो एक बड़ा स्ट्रक्चर है ये क्या करता जाता है, ये अनवाइंड करता जाता है डीएनए को
और जो हिस्सा खुलता है उसमें से कोडिंग, उसमें से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब जब डीएनए अनवाइंड हुआ तो दो स्ट्रैंड सेपरेट हुए, एक वो स्ट्रैंड जिसके मुताबिक नया आरएनए बन रहा है, इसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री है दो चीजों के, आरएनए के भी और दूसरा वाला स्ट्रैंड जो डीएनए का है उसके भी। अब क्योंकि आरएनए का सीक्वेंस इस स्ट्रैंड के साथ एक के जैसा है, ठीक है जी, इसके कॉम्प्लीमेंट्री है और इसके जैसा है, इसलिए इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये आरएनए के कोड के साथ मैच कर रहे। और इसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड, ठीक है जी। टेम्पलेट स्ट्रैंड के दो नाम हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड। और जिस स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही उसके दो नाम हैं, कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। पहला आरएनए का न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम एंड के लिहाज से लगता है और आरएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम एंड के ऊपर नए न्यूक्लियोटाइड्स लगाता चला जाता है। ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड रीजन है और जैसे जैसे आरएनए बनता जाता है वो अलग अलग होता जाता है चेन, क्योंकि ये थोड़ा सा रीजन है डीएनए का जो कि ओपन अप होता है, इसको कहते हैं बबल, ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल आरएनए पॉलीमरेज के अंदर ही खुलता है और अंदर ही बंद हो जाता है। आगे इसके एंजाइम इसको अनवाइंड करते चले जाते हैं, साथ ही नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एंजाइम इसके जो सब यूनिट्स हैं वो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करते जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते चले जाते हैं 3 प्राइम एंड पे, और पीछे की तरफ ये इन दोनों कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड को वाइंड करता है, रिवाइंड करता चला जाता है। अनवाइंडिंग और रिवाइंडिंग और पॉलीमराइजेशन, ठीक है, एट अ टाइम चल रही है। पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सबसे पहले आगे वाले हिस्से में अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हो रही है, फिर पॉलीमराइजेशन हो रही है और फिर रिवाइंडिंग हो रही है, और जो आरएनए बनता जा रहा है वो बाहर की तरफ लटका हुआ है, और ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के मौजूद होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। अगर हम कंपेयर करें ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन को तो डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी कुछ कुछ मिलती जुलती है। दोनों में ये सलाहियत है कि 3 प्राइम एंड के ऊपर नए न्यूक्लियोटाइड्स लगाते हैं। दोनों में ये सलाहियत है कि एग्जिस्टिंग डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के लिहाज से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते चले जाते हैं। लेकिन फर्क क्या है, डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए चाहिए प्राइमर, लेकिन इसको प्राइमर नहीं चाहिए, ठीक है जी, और दोनों बहुत एफिशिएंट और एक्टिव एंजाइम्स हैं। जब इलोंगेशन होती चली जाती है किस पॉइंट तक, जहाँ पे एंड आ जाए, एंड जब आ जाता है तो टर्मिनेशन, थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन। फर्स्ट स्टेप था इनिशिएशन, सेकेंड इज इलोंगेशन, थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। जहाँ पे जीन ने ख़त्म होना होता है, कोडिंग रीजन ने ख़त्म होना होता है, वहाँ पर पहले एक ऐसा रीजन आता है जो कि जीसी रिच रीजन होता है और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। ये देखें इस तरफ से बनता चला जा रहा है आरएनए, बाहर निकलता जा रहा है आरएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन मूवमेंट की ये, ठीक है, ये जो बड़ा एरो शो कर रहा है। और ये जो दो रीजन है यहाँ पे इस डायग्राम में ज्यादा क्लियर शो हुए, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है और जीसी रिच रीजन है। इनकी वजह से जो आरएनए बनेगा वो फौरन से आपस में जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जीसी रिच रीजन है और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है, और यहाँ पे एक हेयर पिन लाइक लूप बन जाएगा। ये हेयर पिन लूप एक फिजिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा टू द अटैचमेंट ऑफ आरएनए एंड डीएनए हाइब्रिड। ये थोड़ा सा रीजन है, अभी हमने यहाँ ऊपर देखा था कि आरएनए डीएनए हाइब्रिड रीजन बहुत थोड़ा सा है, इतना स्ट्रांग नहीं है, और खास तौर पे इस सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जीसी रिच रीजन के बाद जो रीजन आता है वहां पे पोली यू टेल अटैक बन रही होती है। आपको पता है कि जी सी के बीच में, जी और सी के बीच में 3 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बनिस्बत स्ट्रॉन्गर, और ए और यू के बीच में या ए और टी के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, वो 2 वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जरा वीकर बॉन्ड है, ये इस फिजिकल प्रेशर ऑफ जी सी हेयर पिन लूप को टॉलरेट नहीं कर सकेगा और अलग हो जाएगा। जैसे ही आर एन ए अलग होगा तो आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगी। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है ये देखें, ये डीएनए, इससे ये आरएनए बन रहा है,
ये आरएनए पॉलीमरेज छोटा सा यहाँ पे टॉप पे एंजाइम है, एक एंजाइम की बहुत दफा भी ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, जिस जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा चाहिए सेल के अंदर अमूमन उसकी बहुत दफा ट्रांसक्रिप्शन होती चली जाती है। एक ये ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, एक ये हो रही है, एक ये हो रही है, एक ये हो रही है। और क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अलग नहीं होते, जहां आरएनए डीएनए होता है वहीं पे साइटोप्लाज्म होता है, तो फॉरन ही राइबोसोम्स यहाँ आके अटैच हो जाएंगे और पोली राइबोसोम बन जाएगा। अब इस फिगर में देखें, ये फोटोग्राफ है एक्चुअल, दिस इज कॉल्ड कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया। ब्लू से डीएनए शो हुआ हुआ है, रेड से जो नया बन रहा है स्ट्रैंड वो आरएनए, कौन बना रहा है आरएनए पॉलीमरेज। इस वाले डीएनए के साथ कितने आरएनए पॉलीमरेज अटैच है, 1 2 3 4, ये पहले वाला है जो सबसे पहले अटैच हुआ, उसने लंबा आरएनए बना लिए, ये उसके पीछे आ रहा है, ये उसके पीछे आ रहा है, ये उसके पीछे आ रहा है। और जैसे ही आरएनए बनता है तो उसके साथ आके राइबोसोम से अटैच होने शुरू हो जाते हैं, एक वक्त में एक नहीं कई राइबोसोम एक आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं, पोली राइबोसोम बन जाते हैं। और ये अब पर्पल से जो बीडेड चेन बन रही है, ये पर्पल क्या है, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड की जो एक लंबी चेन बन रही है पॉलीपेप्टाइड, ये मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम एंड है, सबसे आगे जो सबसे पहला जो अटैच हुआ, और ये 3 प्राइम पे आरएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए अटैच करता चला जा रहा है। यहाँ पे कहीं जाके लेट सपोज ये कोडिंग रीजन खत्म होगा तो ये भी अलग हो जाएगा आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगा, और ये होती रहेगी ट्रांसक्रिप्शन फ्यू सेकेंड्स तक, क्योंकि मैसेंजर आरएनए जो है उसको ब्रेक डाउन करने वाले न्यूक्लियस एंजाइम्स बहुत सारे मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो इस आरएनए को ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये तो हो गया प्रोकैरियोट्स में जो हो रहा है, यूकैरियोट्स में अगर देखें तो एक समुंदर पार करके आरएनए ने बाहर जाना है, और इतना टाइम नहीं है, 8-10 सेकेंड में ये नहीं सब काम हो सकेंगे कि ये बाहर भी चला जाए न्यूक्लियस से निकल के और ट्रांसलेशन भी हो जाए, इसलिए इसमें चेंजेस आएंगी। ठीक है जी, इसके अलावा एक और वजह क्या है कि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए का सीक्वेंस होता है और आरएनए मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, इट्स द सेम। लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस भी होते हैं विद इन कोडिंग रीजन जिनका जो मैसेंजर आरएनए में नहीं रिक्वायर्ड होते, तो पहले जो बनता है सीक्वेंस वो कहलाता है प्राइमरी मैसेंजर आरएनए या प्री आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के जरिए। डीएनए के अंदर दो तरह के रीजन होते हैं, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स जो हैं उनका बाद में काम नहीं होता, उनको रिमूव करना होता है, और एक्सॉन्स ने मिलके काम करना होता है। अब जब पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है तो इंट्रॉन एक्सॉन हर चीज की ट्रांसक्रिप्शन हो गई, अब यहाँ पे आरएनए स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसोसोम बड़े कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स होते हैं जो कि जिनके 300 तक सब यूनिट्स हो सकते हैं, वो आके अटैच होते हैं और इन इंट्रॉन्स को हटा देते हैं और इन एक्सॉन्स को आपस में सही करके जोड़ देते हैं सही तरतीब से। ठीक है जी, और इसके अलावा दो चेंजेस और आती हैं, एक तो ये कि इसके 5 प्राइम एंड पे एक कैप लग जाती है और 3 प्राइम एंड पे पोली ए टेल लग जाती है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए ये तैयार है, इसने हेलमेट पहन लिया, इसने लंबी सी टेल लगा ली है और इसके सारे इंट्रॉन्स हट गए, अब ये न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा और इसकी ट्रांसलेशन होगी जिसके जरिए प्रोटीन बनेगी। ठीक है जी, ये वही चीज है, दोबारा हम एक और तरह से देख रहे हैं, इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन। ठीक है जी, अब ये सारे इंट्रॉन्स हट गए, किसने हटाए, स्प्लाइसिंग मशीनरी ने, इस प्रोसेस का क्या नाम है, स्प्लाइसिंग। कैपिंग कौन सा प्रोसेस है, 5 प्राइम एंड पे 7-मिथाइल GTP को अटैच करना, और पोली एडिनाइलेशन कौन सा प्रोसेस है, 3 प्राइम एंड पे एक लंबी ए टेल अटैच करना। आपकी बुक में जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 30-500। ठीक है जी, तो इट इज अ रेंज जो कि हो सकती है, और इसके बाद जो मैसेंजर आरएनए है वो बाहर आएगा। अगेन दिस इज द सेम थिंग, ये डीएनए है, डीएनए का प्रोमोटर रीजन है, ये आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है, इसके बाद ये टर्मिनेटर रीजन है। टर्मिनेटर रीजन कौन सा है, जो अभी हमने कहा था जीसी रिच रीजन, जो कि जीसी हेयर पिन बनाएगा और फिर उसके बाद वो पोली यू बनाएगा, ये टर्मिनेटर रीजन। ठीक है जी, अब ट्रांसक्रिप्शन से ये सारा कुछ बन गया, प्री मैसेंजर आरएनए या प्राइमरी मैसेंजर आरएनए जो बना, इसके ऊपर 5 प्राइम एंड पे 7-मिथाइल GTP कैप अटैच हुई ताकि यहां से इसको एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स ब्रेक डाउन ना कर सके, और साथ ही यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है जो कि जिसकी ट्रांसलेशन नहीं होती। ट्रांसलेशन वाला जो रीजन है ना वो ये है जो ऑरेंज से शो किया, ये जो लीडर सीक्वेंस है ये जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है,
इंट्रॉन्स की लाइट कलर से शो होंगे, इंट्रॉन्स भी रिमूव हो जाएंगे. कौन रिमूव करेगा? स्प्लाइसोसोम. आरएनए प्रोसेसिंग इंट्रॉन्स रिमूव बाय स्प्लाइसोसोम मशीनरी. फिर एक रीजन होता है जो कहलाता है ट्रेलर रीजन. ट्रेलर रीजन किस चीज में हेल्प करता है? ये पोली ए टेल को अटैच करने में हेल्प करता है. अब एक साइड पे 5' एंड पे 7-methyl GTP कैप अटैच हो गई. ये मैसेंजर आरएनए का हेलमेट है. यहाँ पे कोई एक्सोन्यूक्लियस इसको यहाँ से नहीं तोड़ सकता, इसका सर बच गया. ठीक है, और इसकी दुम कैसे बची है? क्योंकि एक लंबी ए टेल अटैच हो गई है, तो एक्सोन्यूक्लियस आके इसको एक वक्त में एक, एक वक्त में एक, एक वक्त में एक को हटाते चले जाएंगे. तो अगर ये एक लंबी चेन है अप टिल 500, तो क्या होगा कि जब तक ये सारे ब्रेकडाउन होंगे और असल जीन, उसके बाद ट्रेलर सीक्वेंस ब्रेकडाउन होगा, फिर जीन जो है ना वो जो असल कोडिंग सीक्वेंस है, प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस, वो ब्रेकडाउन होगा. तो तब तक एनफ ट्रांसलेशन हो चुकी होगी इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकेरियोट्स.